हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। जो बदलता नहीं वो प्यार का मौसम है बाप, आबे कौसर सी अगर माँ है तो जमजम है बाप। जो बदलता नहीं वो प्यार का मौसम है बाप, आबे कौसर सी अगर माँ है तो जमजम है बाप। और माँ की अजमत को भी वो लोग घटा देते हैं मर्तबे में, जो कहे माँ से जरा कम है बाप। उनकी नासमझी है ये, उनकी ये नादानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। जो भी हालात हो उनमें ही वे ढल जाता है और मेहनत के शरारों में पिघल जाता है। जो भी हालात हो उनमें ही वे ढल जाता है और मेहनत के शरारों में पिघल जाता है। रात को घर में वो आता है थका हारा, पर सुबह को फिर से कमाने को निकल जाता है। रात को घर में वो आता है थका हारा, पर सुबह को फिर से कमाने को निकल जाता है। उसकी हिम्मत ने कभी हार कहां मानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। और आरजुओं को वो लड़ लड़ के हरा देता है, अपने हर शौक पे पाबंदी लगा देता है। आरजुओं को वो लड़ लड़ के हरा देता है, अपने हर शौक पे पाबंदी लगा देता है। और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। उसके जज्बात का मेयार ये लासानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। सख्त अल्फाज तो लहजा भी कड़ा होता है, उसके समझाने का अंदाज जुदा होता है। सख्त अल्फाज तो लहजा भी कड़ा होता है, उसके समझाने का अंदाज जुदा होता है। चाहे बाहर से जरा सख्त नजर आता हो, फिर भी अंदर से तो नरम बड़ा होता है। आग सा दिखता है आरिफ मगर पानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी।